स्टूडेंट्स, क्लास एट का लेसन फोर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पहले वाला वीडियो में आप कुछ लाइन हम लोग पढ़े थे, उसके थोड़ा सा रिवाइज करते हम लोग फिर आगे के लाइनों को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि जो प्रदेश कांगा है वो वहाँ के ब्रिटेन गए हैं विजिट पे, और वहाँ जा कर के उन्होंने विजिट किया है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को घुमा है, और वहाँ से वो स्टीफन हॉकिंग्स को फ़ोन करते हैं, उनसे मिलते हैं, मिलने का समय मांगते हैं उनसे, आधा घंटा 10 मिनट का समय मांगते हैं, आधा घंटा का समय उनको दिया जाता है, और वह समय मिलने के बाद तो अपने आप को थोड़ा सा कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इतने बड़े विद्वान से मिलेंगे तो थोड़ा सा घबराहट महसूस करते हैं, और वह कहते हैं कि लोग ऐसा संतावना दे करके आपको मायूस करते हैं, जैसे कहते हैं कि आप बहादुर बनो, जैसे कि हम लोग एक बहादुरी किसी बैंक में जमा हो और हम लोग इतना आलसी हैं कि उसका चेक भी न भजा रहे हो, है ना। आगे की लाइनों को हम लोग देखेंगे। द ओनली थिंग दैट मेक यू आर स्ट्रोंगर, एकमात्र चीज़ जो आपको और शक्तिशाली बना देती है, सीमिंग सम बॉडी लाइक यू, किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो आपके जैसा हो, मतलब आपका जैसा, यदि आप अपाहिज हैं, आप कमज़ोर हैं, आपके जैसा कोई अच्छा काम कर गया है, कोई अच्छा काम कुछ अचीवमेंट किया है, अचीविंग समथिंग ह्यूज, और कुछ ज़्यादा अचीव किया है अपने जीवन में, तो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर आपको ज़्यादा शक्ति महसूस होगी, ना कि दूसरे कोई आपको प्रोत्साहन कर दे, आपको बता दे कि हिम्मती बनो तो उससे आपको हिम्मत आ जाएगा। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, तब आप जान पाते हैं कि कितना कुछ संभव है। यू रीच आउट फार्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, आप कितना अधिक प्राप्त कर सकते हैं, आप कितना अब जो भी आप अब तक सोचे थे उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपसे अधिक पा चुका है उसे आप मिलते हैं, तो आप भी पॉसिबल अपनी पॉसिबिलिटी को जान सकते हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, सैड हिज डिस एम्बॉडीज कंप्यूटर वॉइस, उस कंप्यूटर की आवाज़ वाला आवाज़ निकला कंप्यूटर से, जो जिस कंप्यूटर का शरीर नहीं था लेकिन इंसान की जैसा आवाज़ थी उसमें, और वहाँ से उस वॉइस, उस कंप्यूटर से एक वॉइस निकली, आवाज़ निकली, द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर को, आई हैड नो चॉइस, और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मुझे उनके सामने जाना ही था। हालांकि जब उनको इंटरव्यू देने के लिए समय मिला था तो वो कमजोरी महसूस कर रहे थे, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, उनके पास चर्चा करने के लिए समय जो मिल गया तो जाना ही था। तो अगले दिन जब वो पहुँचे हैं, श्योरली आई वॉन्टेड टू से, निश्चित रूप मैं कहना चाह रहा था कि लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी ऑफ हिज डिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस, मैं कहना चाह रहा था कि लिविंग क्रिएटिवली रचनात्मक पूर्ण से जीना इस सच्चाई के साथ विघटित होते इंडिस्टिग्रेटिंग विघटित होते हुए शरीर, अपंग होते हुए शरीर के साथ क्या आपका चॉइस था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं नहीं कहा, मैं चुप रह गया, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मैं गिल्टी महसूस कर रहा था अपने आप को, जब एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा था, फोर्सिंग हिम टू रिस्पोंड, मैं जब उनसे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे कष्ट महसूस हो रहा था और मेरे वजह से उनको रिस्पोंड करना पड़ रहा है, यह सोच करके जो राइटर है उनको गिल्टी महसूस हो रहा था। देयर ही वॉज टेपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, देयर ही वॉज, वहाँ पे क्या करना पड़ता था, वो कैसे रिस्पॉन्स करते थे, ही वॉज टेपिंग एट द लिटिल स्विच, एक छोटी सी स्विच को टैप करते थे, उस पर स्विच को दबाते थे, इन हिज हैंड, अपने हाथ पे के पास वाला, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड, एक
ट्राइंग टू फाइंड दिस द वर्ड, उन शब्दों को ढूंढने के लिए ऑन हिज कंप्यूटर, उनके कंप्यूटर पर भी द ओनली बीट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, जो ही वॉज टेपिंग एट द लिटिल स्विच ऑन हिज हैंड, अपने हैंड के पास बना हुआ एक स्विच को वो टेप करते थे, दबाते थे और उसे खोजने का प्रयास करते थे अपने कंप्यूटर में, सब जो शब्द हैं उनको मूवमेंट ए लिटिल टू हिम, छोटा थोड़ा बहुत जो भी अपने उंगलियों को हिला डुला सकते थे, हिज लॉन्ग प्ले फिंगर, पेल मीन्स होता है पीला, अपने लंबे पीले जो उंगलियां हैं सिर्फ वही हिला डुला सकते थे, उनका पूरा शरीर अपाहिज था, कोई शरीर हिला डुला नहीं पाते थे, जो भी शक्तियां बची थी उंगलियों में उनके माध्यम से वो अपने हाथ के पास जो स्विच बना था उसके सहयोग से कंप्यूटर में शब्दों को ढूंढने के लिए, इसलिए वह उनके सामने जो बैठा हुआ ये अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा था कि मेरे वजह से इनको कष्ट हो रहा हो। एवरी सो ऑफन, और हर बार, सो ऑफन और प्रायः, हिज आई वुड शूट, और उनकी आंखें बंद हो जाया करती थी इन फ्रस्ट्रेट एग्जॉशंस, दुख एग्जॉशन थकाव थकान के कारण और फ्रस्ट्रेशंस के कारण उनकी जो आंखें हैं प्रायः बंद हो जाया करती थी। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठा, आई कुड फील हिज एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है कष्ट, उनकी मनोदशा, और मैं उनके सामने बैठा, मैं उनकी मनोदशा को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। द माइंड बॉयंट विथ थॉट, उनके मन जो है पूरी तरह से विचारों से भरे हुए थे, लबालब भरे हुए थे, दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेज, लेकिन बाहर आते थे वो फ्रोजन फ्रेज, घिसी पिटी फ्रेज की तरह, एंड सेंटेंस, टूटी फूटे सेंटेंस में, स्टिफ एज क्रॉप्स, जैसे क्रॉप्स हों। ए लॉट ऑफ पीपुल सीम सो थिंक, ए लॉट ऑफ पीपुल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं, डिसेबल्ड पीपुल आर क्रोनिकली अनहैप्पी, डिसेबल्ड पीपुल अपाहिज लोग जो हैं हमेशा क्रोनिकली अनहैप्पी रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, दुख रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, आई सेड, मैंने कहा। फरदौस कांगा कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, इंटरव्यू में वो सवाल उनसे पूछ रहे हैं, बार बार सवाल अपने कर रहे हैं जिसका वो जवाब देते हैं मुश्किल से। आई नो दैट वॉज नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता था कि ये मेरे लिए सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं, आप ही अंदर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आफ्टर थ्री मिनट, तीन मिनट के बाद ही रिस्पॉन्ड, उन्होंने जवाब दिया, मतलब वो तो कंप्यूटर से अपने आप बोल तो पाते नहीं थे, कंप्यूटर के माध्यम सहयोग से थोड़े बहुत शब्दों को वो लिख करके बोल रहे थे, और लिखने का काम कैसे, टच करके वो किस तरह से उंगलियों के पास जो बोर्ड था, स्विच था, उसके माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा बोलते थे। तो तीन मिनट के बाद इसका जवाब देते, आई फाइंड अम्यूजिंग व्हेन पीपुल पेट्रोनाइट मी, यहाँ पे पेट्रोनाइट है, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपुल पेट्रोएट मी, मुझे बहुत ही बेहुदा लगता है जब कोई मजाकिया लगता है मनोदशा हमारी, जब कोई हमें पेट्रोएट दया भाव हमारे ऊपर दिखाता है, मतलब जब कोई किसी अपाहिज आदमी को बार बार अपाहिजता को दिखाते हुए उस पर दया भाव दिखाता है, विकलांगता को बारे में कुछ कहता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, फिर दूसरा सवाल वो फरदास कांगा कहते हैं, एंड यू फाइंड इट, क्या आपको ऐसा लगता है कि अनोइंग सम व्हेन, आपको चिड़चिड़ापन लगता है, आपको गुस्सा आता है, अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी,
मेरे जैसा कोई दूसरा आता है एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, आपको अपने आपके काम में डिस्टर्ब करता है, तो क्या आपको चिड़चिड़ापन लगता है, आपको गुस्सा लगता है? इस तरह से आगे की फिर कुछ लाइनों को हम लोग तीसरे वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको पढ़िए और वर्ड मीनिंग जो आ रहा है बीच बीच में उसको याद करने का प्रयास कीजिए।